गुफ्तगू का आगाज यहां से कर रहा हूं कि मुसलमान दोस्तों, ये शीनों की मजलिस नहीं हो रही, मोहम्मद के बेटों का जिक्र हो रहा है। अब जी इसे शीनों की मजलिस समझ के गली न बदला कर, इस जिक्र में आया कर, और बगैर इजाजत के आया दोस्त इजहार भी करते हैं कि जी हम शिया नहीं हैं, तो मजलिस में हम कैसे आए भाई? इससे क्या फर्क पड़ता है? आप शिया नहीं है, हाँ सही है, आप जिस मजहब में हैं बेशक उसी कर रहे हैं, लेकिन मजलिसों में आया करो। इस कबीले का ताल्लुक मजहब से नहीं, खैरत से है। मुकद्दस जगह पर खड़ा होके तो गलतफहमी दूर कर लो और ताई मुझे आपकी चाहिए ताकि इनके जहनों की यह गलतफहमी खत्म हो जाए। कोई शिया ऐसा नहीं है जो अल्लाह की तौहीद का मुनकर हो। ये मैं आपकी ताई क्यों मांग रहा हूं? पहले बात थी मौलाना की, मौलवी की, अब इस्लामियात के टीचर, दीनियात के टीचर यूनिवर्सिटियों में बच्चों को लेक्चर दे रहे हैं कि जी हम पहले बैठ के मुनकर नहीं है, लेकिन शियों को पूछने वाला कोई नहीं, शियों को अल्लाह नबी से दिलचस्पी नहीं है, ये तो सब कुछ नहीं वो समझते, ये सब कुछ इजाजत दे रहे हैं मैं तो थोड़ी बात करूं। शिया अल्लाह नबी से दिलचस्पी नहीं रखते, ये सब कुछ नहीं को समझते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, बैठक में बात नहीं हो रहे, मैं मिंबर पे ये बरबला कहने की पोजीशन में हूं, क्या आपको कह दें ये सब कुछ नहीं को समझते हैं? मैं उसे क्लियर करने से पहले ये खतरा कह रहा हूं, हाँ ये सच है कि अली हमारी कमजोरी है। नहीं रहा जाता अली के बाहर, हमसे नहीं जिया जाता अली के बाहर, हम नहीं रह सकते, लेकिन नुकरों पे बाजार के सड़क पे खड़े होके तबसरे करने की बजाय कभी हमारे करीब आके हमसे पूछो कि यार तुम हर वक्त अली अली क्यों करते हो? हम तुझे क्लियर करके बताए कि हम तो इस शरीर से वाकिफ ही नहीं थे, हमें तो शरीर का पता ही नहीं था, हमने शरीर को जानते लेकिन अली अली इसलिए करना पड़ गया कि इस शरीर ने हमारे नबी से बेवफाई में की। मेरी तारीफ करेंगे बहुत शुक्रिया। असल दीन है या अल्लाह मदद,
हमें समझाते फिर रहे थे कि तुमने यारी मदद के मुकाबले में यावर मदद का, तुम समझते थे कि अगली नस्ल शियों से पूछेगी कि तुम अल्लाह के मुकाबले में नहीं बुलाते। हमने उन्हें समझाया कि तुम यावर मदद को भागने लाए आगे के ईया का ना बोलो आईया रस्ता, जिसका प्रथमा है कि या अल्लाह हम इबादत भी तेरी करते हैं मदद भी तुझसे मांगते हैं। लिहाजा बंदे कहते हैं यार मदद रखो क्योंकि आप अल्लाह से कह रहे हैं इबादत भी तेरी करते मदद भी तुझसे मांगते। मुझे समझ नहीं आती आयत उतरी थी रसूल अल्लाह पे या अल्लाह मदद उतरा था ज़ियाउल हक पे से पहले मुल्क में कोई आला मदद का नारा सुना था तुम? ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ये कहा गया कि आला मदद लिखो और वो भी तीन रंगों में लिखो। शायद रंग में अल्लाह हैदर रंग में मदद हैदर रंग में और इस मुल्क की नई नस्ल के जहन में ये बैठ से आएगा कि बस चंद लोग हैं जो अल्लाह भागे और ये तो ईया का नाम बोलो भी पढ़ते और फिर भी आ नहीं मदद। पहली बात तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि तुम जो चाहते थे तुम्हें वो नसीब नहीं हो सका क्योंकि अगर खुलूस तेरे नारे में होता तो या अल्लाह मदद के बैनर खत्म ना हो जाते। बोल पढ़ा करें बल्कि तेरा या अल्लाह मदद का नारा हमारे अकीदों को मजबूत कर गया कि तुमने या आली मदद के मुकाबले पे या आला मदद था आला के नाम तुम्हारे पास और भी थे। मुसलमानों नाम तुम्हारे पास नाम तुम्हारे पास नाम तुम्हारे पास खाली जगह खुद कोट कर तो मौलाना नाम तुम्हारे पास और भी थे लेकिन तुमने यारी मदद के मुकाबले डायरेक्ट या अल्लाह मदद कह के खुद तस्दीक किया है कि अली का मुकाबला बंदों के बस में मौलवी को लंबा नहीं पड़ेगा क्योंकि मौलवी को शिया मदरसों में बरकत के लिए मेरे भाई है मैं सबके लिए दुआ करूं कहते दलील से बात है जब आप कह रहे ईया का नाम उस हमले में आप कहते इबादत भी तेरी कर मदद भी तुझसे। सुन्नी बरेलवी भी यही कहते शिया भी यही कहते कि इबादत भी तेरी करते मतलब तुझे मानते मस्जिद से बाहर निकलते सुन्नी सैयदी औषधि यादवी यादवी करने लग जाते शिया अल्लाह कहां है देखिए बहुत शुक्रिया तो बात ड्राइंग रूम में तो नहीं हो लाइव कैमरे मजलिस लाइव चल रही और ये कैमरे तो हमें मुकरने भी नहीं होंगे अक्सर का है और मैंने दुआ की मालिक का कहिए सीडी सिस्टम बनना ही था खदीर खूबसूरत माहौल है बात को आपके बात समझते हैं सुन्नी यादवी करते हैं शिया यादवी आदि करते तो वो ईया का नाबूद हो वाहिया का नस्ताइन का मकसद क्या है जो मुसल्ले में खड़े होकर कहते हैं इबादत की तेरी मदद की तेरे इजाजत है ना थोड़ा क्लियर करो मेरी ये अल्लाह वाले मुसलमानों से अपील है अल्लाह सऊदी अरब से सिर्फ हमारी हुकूमत को डॉलर नहीं मिलते
अकीदा भी मिलता है। ये जो अकीदा ना सिर्फ अल्लाह फकत है, ये डायरेक्ट हमें सऊदीया से खबरें नबी की तरफ युहा की पाक दुआ मांगने की इजाजत है। दुआ मांगो सऊदीया श्रोता आपके हाथ छटक देगा और ये लफ्ज है खबरें नबी की तरफ, इससे क्या मांग रहे हैं, ये तो मर चुका बोलने वाले रोजा रसूल को खबरें नबी की तरफ इशारा करके वो सऊदी सिपाही क्या कहते हैं, इससे क्या मांग क्यों, ये तो मर चुका है दादा मजमा जो प्रभु मुझे दुख होगा इनकी और बदकिस्मती क्या होगी कि ईसाइयों के नबी को जिंदा मानते हैं। सिर्फ इतना बताते हैं तो नहीं मतलब आई फैमिली कौन सी